हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अनुप सर। मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों लोग, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, और जो जिस सिलेबस में कंपनी अकाउंट है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आज हम बताने जा रहे हैं कि कंपनी अकाउंट में सबसे पहले शेयर का क्या जनरल एंट्री होता है। तो चलिए बच्चों लोग, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों लोग, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कंपनी का पूरा जनरल एंट्री हम धीरे धीरे करके अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आप लोग को आने वाले जितने भी वीडियो हो उसका जानकारी सबसे पहले आप लोग को मिलेगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अनूप कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मेरा आईडी है अनूप कॉमर्स क्लासेस, उस पर फिर जाके आपको आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों लोग, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए बच्चों लोग, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग का क्या होता है कि जो शेयर का जो वैल्यू होता है हम लोग को इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता है, ठीक है। शेयर का जो वैल्यू होता है उसको किस में मांगा जाता है, इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता है। जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फर्स्ट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। इतना हम लोग का इंस्टॉलमेंट होता है, 5 इंस्टॉलमेंट। तो हम अभी 4 ही लिखे हैं आप लोग के लिए। प्रत्येक का दो दो जनरल एंट्री होता है, एप्लीकेशन का भी 2, अलॉटमेंट का भी 2, फर्स्ट कॉल का भी 2 और फाइनल कॉल का भी 2 जनरल एंट्री होता है। जो हम आज जो एंट्री बताने जा रहे हैं वो बेसिक एंट्री है, इसको तो मतलब जड़ है ये कंपनी का, जनरल एंट्री का ये जड़ है। इसी से हम लोग को धीरे धीरे और टॉपिक पर हम लोग समझेंगे, लेकिन ये जनरल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एप्लीकेशन का एंट्री थोड़ा सा अलग होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से एंट्री कॉपी होने लगेगा। तो देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम लोग को सबसे पहले एडवांस देते हैं। एप्लीकेशन में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले शेयर जब खरीदते हैं तो सबसे पहले हम लोग कैश देते हैं, इसलिए फर्स्ट एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और इसमें क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखिए ये एंट्री फर्स्ट में, बैंक वाला एंट्री फर्स्ट में हुआ। बच्चों एप्लीकेशन के बाद हम लोग किस में आते हैं बच्चों लोग, अलॉटमेंट में। तो देखिए अलॉटमेंट से हम लोग का क्या होगा कि अलॉटमेंट से हम लोग का होगा बैंक वाला एंट्री बाद में होगा और ड्यू एंट्री पहले होगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों लोग, इसलिए कि जब हम शेयर होल्डर किसी कंपनी का बन जाते हैं तो वो ड्यू एंट्री पहले करके रखता है, जब हम लोग पैसा देते तो वो रिसीव एंट्री करता है। तो ड्यू एंट्री का क्या एंट्री होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेरेशन हम छोटा सा याद रखना है, क्योंकि नेरेशन को लिखना है लेकिन हम लोग को याद छोटा सा ही रखना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें रिसीव एंट्री बाद में होगा। फिर जब हम फर्स्ट कॉल में आएगा तो कुछ नहीं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर नाम चेंज कर देना है, यहाँ शेयर अलॉटमेंट है, यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसी तरह हम लोग फाइनल कॉल का भी एंट्री कर सकते हैं, शेयर फाइनल कॉल का हम छोड़ दिए, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो बच्चों लोग ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो सबसे पहले ये एंट्री आप लोग याद कर लीजिए, इसके बाद आप लोग को बताएंगे इसमें किस शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या जनरल एंट्री होता है, कॉल सिनेरियर क्या होता है, कॉल इन एडवांस क्या होता है। पूरा वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम लोग का जो मेहनत कर रहे उसका फल जरूर से जरूर मिले और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें।